Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sauditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Chanadayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohar Vancha Kalpataru Vashikipa Sindhu Vivacha Patitanam Pavuni Bhavishna Vipyo Namo Namo Mukam Karoti Vajalam Pangum Langhetagirin Yatki Patam Hangavandi Paramananda Madhavam Brindavi Tulsidebhai Piyavai Kesava Swaja Sinabhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namo Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarayana Dhayam sada paribhavagnam avishtaduham Tevitas padam padam siva virinchinutam saranyam Vitatiham ponotapal bhavadhibhutam Bande mahapurusate charanar bindam Yat pad pallavanakachanna manichataya Visvurjitakimapikabhavadusvadarshi Purna Nuraga Rasa Sagara Sara Murti Saradhika Mahikada Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodato Sankirtanai kapitaro kamala yatakshu Vishambaru dijavaru jugodharma palo Bande jagat priyakaru karuna bataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Surair Vandito Diparupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dadasinityam Bhavan Rupena Sadhan Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayuno Priyamananga Madhaparam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajushra Vadane Lakshmi Rajasacha Bhakshashi Yasyaste Hide Sambhi Vam Nishinga Mahambhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Karman Arabhamana Nam Dukcha Hattva Ishukhaya Cha
पश्येत पाक विपर्यसाम मिथुनोचारिणं नीलम कर्माण्यारभ्यमानानं दुःखत्वयि सुखाय च पश्येत पाक विपर्यसाम मिथुनोचारिणं नीलम। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, सारे भगवान का दयाई है। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जगत गुरु जी ने बताए, सारे भगवान का दयाई है। ये दर्शन वैकुंठ दर्शन है। तथ्य अनुकंपाम सुसमीक्षमानम भुञ्जान एव एव आत्मकृत विपाकम हृदवाग विदधत नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदाय बाप। ये तथ्य अनुकंपा सारे भगवान का दया है। भगवान का दोष निकालने के लिए सारे उठे, सब व्यस्त हो गया। भगवान ने ये किया, ये ठीक नहीं है, सारे भगवान का दया है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गौर सुंदर, हम लोगों को अपना कर्मफल के अनुसार विपरीत परिस्थिति में थोड़ा खड़ा कर देते हैं, इसके साथ साथ परीक्षा भी ले लेते हैं। कुनका कृष्णा सहनशीलता है, कितना ठाकुर जी का प्रति प्रेम है, प्यार है, विश्वास है, सारे परीक्षा भी हो जाता है तमाम। साधन तमाम जो परीक्षा है, ये परीक्षा में बड़ा ये कोई सामान्य बात नहीं। ये तरह तरह का परीक्षा आते रहते हैं। ये सब परीक्षाओं में पास करना अहोभाग्य की बात है, क्योंकि पास करने से ही भगवान का कृपा मिल सकता है। हर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। और गौर सुंदर अंतर्यामी रूप में हृदय में बैठा हुआ है, नित्य सत्व निष्कपट व्यक्ति का व्यक्ति को समझा देते हैं चैत्य गुरु, जिसको बोलते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु रूप से भगवान हृदय में विराजमान है, और चैत्य गुरु का प्रेरणा से आदमी को अनुभव आता है सब कुछ। गौरवी का दया, गौरवी अंतर्जामी रूप में हृदय में है। नित्य सत्व निष्कपट, नित्य सत्व वस्तु क्या है, कैसा है, तमाम ये सब निष्कपट व्यक्ति को समझा देते हैं। अंतर्जामी रूप में भगवान बैठा हुआ है और चैत्य गुरु समझा देते हैं। जो व्यक्ति, जो सब व्यक्ति पारमार्थिक मंगल के लिए आगे चल पड़े, ये लोगों में, इन लोगों में जो वास्तव निष्कपट रूप से गुरुपाद पद्म गुरु वैष्णव का चरण आश्रय किया है, ये लोगों के लिए भटक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो पारमार्थिक पारमार्थिक रास्ते में चल पड़े, जो सब जीवात्मा, इनमें से जो वास्तविक निष्कपट रूप से गुरु वैष्णव का चरण में आश्रय लिए हैं, ये लोगों को भटक जाने का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि भ्रम इसका जो उल्टा रास्ता में जाने का कोई रास्ता ही नहीं, ये लोगों के लिए संभव नहीं है। किसी सन्यासी का बीच में, प्रचारक का बीच में भड़का रहे, वो भड़काव में आ जाए, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जो गुरु वैष्णव का कृपा मिला है, उस शास्त्रों का अनुभव मिला है भगवान का कृपा के द्वारा, तुरंत समझ में आता है ये झूठा है, ये सच्चा है।
ये सही है ये गलत है, अपने आप आदमी पूछते रहते हैं महाराज कैसे समझे कोई 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 ठग जच्चोर है, कोई ठगी है, कोई सच्चा है, कैसे समझे। ये प्रश्न करने का पहले मेरा विनती है कि पहले वो लोग सिंसियर हो जाए, निष्कपट हो जाए। अगर सिंसियर हो जाए निष्कपट हो जाए तो ये किस्म का क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि एक किस्म का क्वेश्चन आएगा कैसे। जो निष्कपट है, जो गुरु वैष्णव के चरण में निष्कपट रूप से आश्रय लिया है, उसको कोई भड़काव में आए संभव नहीं, असंभव है। ये इसको समझ में आएगा पक्का, ये झूठा है सच्चा है। हर वक्त ये क्वेश्चन आते रहते हैं महाराज कैसे समझे, कोई झूठा है कोई सच्चा है, ये समझे कैसे, व्हाट इज द डिमार्केशन, ये इसको कैसे समझे। वास्तव बात ये है कि कैसे समझे ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिंसियर है। अगर सिंसियर है निष्कपट है, अंतर से पूरा अनुभव आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। किसी का गलत भाषण अपसिद्धांत, इसी में मैंने पंजाब में ये भी सुना है, ये बोले कोई क्वेश्चन करने जाए कि सन्यासी ब्रह्मचारी को, बोले आप उठपटांग करते हो। अरे प्रश्न करने आए तो ये तो प्रश्न करने आए, तुम्हारा हिम्मत है तो उत्तर दो, नहीं तो बोला हमको जानकारी नहीं है। ऐसा किसी का दिल में धक्का देना ठीक नहीं है, क्योंकि पारमार्थिक रास्ते में जिज्ञासु बहुत रेयर मिलता है, सारे खा पी के सो लेते हैं, आराम करते हैं। ऐसा आदमी को बहुत कम मिलता है जिसका अंदर में प्रश्न आता, परिप्रश्न क्वेश्चन आता है। ये परिप्रश्नों का जवाब मिलने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि सही जगह जाना पड़ेगा। ये परिप्रश्नों का जवाब मिलने के लिए सही जगह जाना पड़ेगा। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं, ये प्रभुपाद का भाषा है, वास्तविक अर्थविद वैष्णव का निकट जाके शास्त्रों का व्याख्या सुनना, हर किसी का बात नहीं सुनना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप लोग हर वक्त वास्तविक कोई अर्थविद तत्वविद अर्थविद अनुभवी वैष्णव का पास जाके ये व्याख्या सुनना, किसी क्वेश्चन करना है तो कर लो, उल्टा जगह प्रश्न करोगे सुनोगे तो भजन का तरक्की दूर की बात है और गिर जाओगे। दुस्संगो हर वक्त होते रहता है, समझ में नहीं आता है कौन से दुस्संग है, सत्संग क्या है, और ये समझ में नहीं आता है। लेकिन पक्का बात यह है, जिसको 100% जो सिंसियर है, जिसका अंदर में 100% निष्कपट भाव है, भगवान झूठा नहीं है। बल्लाव जी महाराज उसको समझा देते हैं, ये मक्कार है, ये झूठा कहीं का है, इसका पास मत जाओ, ये झूठा है मक्कार है। और किसी का पास आदमी ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, माला भी चढ़ता नहीं है, प्रणामी भी कम है, विदेश भी ना जाता नहीं है, कौन समझेगा। गौर किशोर बाबा जी महाराज जैसा साधु को, गौर किशोर बाबा जी महाराज जैसा संत महात्मा को आजकल के जमाने में कौन समझेगा, कोई समझेगा। बंशीदास बाबा जी महाराज इसको गाली दे के चला जाएगा, बोले पागल है, ऐसा स्थिति बन गया। और काल भी ये चर्चा खैती थी का शुभ अवसर पर ये चर्चा हो रहा था, हरि कथा का दुर्भिक्ष है, फेमिनिन ऑफ हरि कथा, क्यों इतना स्कार्सिटी है, इतना हरि कथा का स्कार्सिटी हो गया, हरि कथा ऑलमोस्ट नहीं है बोलने से भी दोष नहीं लगेगा, हरि कथा का मापिक कुछ चल रहा है। और कोरोना ने तो कमाल कर दिया, पूरा जितना मक्कार धोखेबाजों को बंद कर दिया, चप लॉकडाउन कर दिया उसका बाजार। हरि कथा का सच पूछो तो ये झूठा नहीं है, तमाम दुनिया में सुनो तो
सच्चा हरिकथा कहाँ है, अप्राकृत ट्रांसेंडेंटल हरिकथा, अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म कहाँ से आ रहा है। हमारा भी दिल रोते रहता है, हम चाहते, मेरा दिल में इच्छा होता है कभी केशव गोस्वामी महाराज मिल जाए, कभी श्रीधर गोस्वामी महाराज मिल जाए, गुरुजी मिल जाए, हरिकथा सुने, सुनने का भी इच्छा होता है ना। जैसे चतुष्सन है ना, चारों में एक बोलते रहते हैं, तीन सुनते रहते हैं, और फिर दूसरे दूसरे एक बोलते रहते हैं, बाकी तीन सुनते सुनते रहे। नवजोगेंद्र भी ऐसा है, ये नवजोगेंद्र का, नवजोगेंद्र का श्लोक दे के ही मैंने शुरू किया। ये बामन गोस्वामी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्या करते थे इसका। ये नवजोगेंद्र है, नवजोगेंद्र ऋषभ जी, ऋषभ देव जी महाराज का नौ पुत्र है काबिल नवजोगेंद्र। ये नवजोगेंद्र भी कबीर हबीर अंतरिक्ष पिप्लायन है ना, सब ये सब नवजोगेंद्र है। इनमें से एक कहते रहते हैं, आठ सुनते रहते हैं, फिर एक कह रहे कबीर बोलना शुरू कर दिया, बाकी आठ, हबीर बोलना शुरू कर दिया, बाकी आठ सुनना शुरू कर दिया, अंतरिक्ष बोलना शुरू कर दिया, बाकी आठ सुनना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही है, सुनने को भी मन करता है बड़ा है। ऐसे तो अंतरात्मा में हरिकथा चलती ही रहते हैं, जैसे कभी केशव गोस्वामी महाराज का, बमन गोस्वामी, सब महापुरुषों का कथा चलते रहते हैं। वाणी सेवा का जिस टाइम विराम हो जाए, नॉन स्टॉप वाणी सेवा करने वाले यही है महापुरुष। कौन है महापुरुष का डेफिनेशन बहुत सारे हैं, एक डेफिनेशन मैंने पक्का डेफिनेशन बता दिया, जिसका हृदय में नॉन स्टॉप वाणी सेवा का माहौल चल रहा है, हर वक्त वाणी सेवा चल रहा है नॉन स्टॉप संकीर्तन, यही महापुरुष है। महापुरुष को ऐसा नहीं मोटा लंबा गोड़ा वाला, दिखने में बहुत सुंदर है, माखन चेहरा माखन जैसा, ऐसा नहीं है। कलकत्ता में है ना, एक धोखेबाज था, हमको किसी ने लेके गया था, आज से 40-50 साल पहले, बचपन था, अरे जाके देखा, अरे कितना वो सुकचर गिरजा, वो आपका खड़दा का नाम बोलना दरकार नहीं, अभी भी वो सब जानवर लोग नारे लगाते रहे, नारेबाजी लगाते रहते हैं उल्टा सीधा। लेके गया था किसी, बोले चलो हमारा गुरुजी को देखा दीजिए, के देखा, अरे बाप रे बाप, माखन जैसा शरीर है, सब कोई के सर में हाथ रखता है, ठंडा हाथ, वाह सुंदर। बाद में पता चला धोखेबाज है सब, अरे बाप रे, अंडरग्राउंड सब ये है वो है, अरे ऐसा ही चल रहा है चारों ओर, सच्चाई का कोई दाम नहीं है। प्रभुपाद जी जैसा ऐसा तमाम ब्रह्मांड को छानबीन कर दो फिर भी ऐसा मिलना, और बाकी जो संप्रदाय, चार संप्रदाय में डिवीजन होकर सब बना हुआ है, अलग अलग संप्रदाय, इन लोगों का तो भजन क्या है, साधु क्या है, साधु क्या है इसका पता ही नहीं। बड़ा वक्ता है, बड़ा वक्ता, हरिकथा बोलते रहते और तरह तरह का अजीब सा कहानी सुनाते रहते। बोले महाराज एक 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 सुना दे, समझ में आएगा, लोग इतना गाधा है, लोग इतना बेकूब है, गाधा है, ये लोग को मरना ही ठीक है हमारा लगता है, ये मरना चाहता है तो मरे, क्या करें हम। बोले वो महाराज कह रहे हैं, बड़ा फेमस वक्ता है वृंदावन, नाम तो हंसी। बोले महाराज एक नाम बोला खाकचोर का, एक महाराज बोले ये तो इसका पास किसी ने आके डोनेशन दे के किया और डोनेशन को खा गया, और डोनेशन तो खाना ठीक नहीं है, वो धुआं धुक्कर में उड़ा दिया, चड़ौस गांजा इसमें, तो वो बोलते हैं महाराज जी धुआं धुक्कर में उड़ा दिया, तो हम तो हमको तो हंसी आ गया, जो धुआं धुक्कर में उड़ा दिया वो महाराज महाराज कैसे हो गया, वो साधु कैसे हो गया, जिसका आत्मसंयम नहीं है, जिसका कंट्रोलिंग नहीं है, ये सब धोखेबाजी का था। गौड़ी मठ का एक बात उठाएगा नहीं, एक गलती से भी, इतना दुश्मनी है गौड़ी मठ के साथ, गौड़ी मठ का एक बात उठाएगा नहीं, एक बात गलती से भी अगर उठाए तो इसका नंगापन सामने आ जाएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का और प्रभुपाद का बात तो उठाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएगा, ऐसा हालत चल रहा है।
प्रभुपाद कह रहे हैं कि पक्का अर्थविद जो है, जिसका जिस महात्मा का इस दुनिया का कोई चीज से संबंध नहीं है, कोई किसी चीज से मतलब नहीं है, जिसका पूरा एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी है, किसी ने प्रणामी दे दिया धर लिया ठीक है दे, हाँ और ज्यादा देने जाए ज्यादा मत दे, ज्यादा क्या करे, रखने का जगह नहीं ले जा, और चोर डाकू आएगा हैं, धोखेबाज आएगा, ज्यादा लेके क्या करे, जो दरकार है ठाकुर जी भेज देगा, हमारा गौरंग महापू ये तो भिखारी नहीं है, विश्वंबर है। भजन आच्छादने बीथा चिंता कुरवंती वैष्णव, वामन गोस्वामी महाराज बोलते थे जोसो विश्वंबर सो किंग नु भक्तान उपेक्षा थे, भक्तों को क्या उपेक्षा करेगा, जरूर कुछ देगा। ऐसा करते प्रभुपाद जी ने बताए कि जो हरिनाम शील जिनका जवान पे वास्तव हरिनाम उच्चारित हो गया, ये पक्का साधु है। साधु का स्टैंडर्ड नापा जाए ये संभव नहीं है, सिर्फ अनुभव में आता है। जो नाम भजन में प्रतिष्ठित है, जिसका अंदर में हरिकथा संकीर्तन को कोई विश्राम नहीं है, हर वक्त कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, ये पक्का साधु। और इन लोगों का सामने जाकर वास्तविक परिप्रश्न करना जरूरी है, किसी धोखेबाज का साथ परिप्रश्न कर दिया, उसका खुद का अनुभव नहीं है, उल्टा से उठपटंग बता दिया। प्रभुपाद जी ने बताया देखो श्री चैतन्य रचितम तो पढ़ने पढ़ो, चैतन्य भागवत पढ़ो, हर भगत शरणागति आदि भक्ति करो, साधु संग में हरिनाम करते रहो, साधु संग में हरिनाम करते रहो, देखोगे जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाए। सब चीजों को जो चीज हो रहा है मेरा जिंदगी में, चाहे किसी ने अपमान किया, चाहे किसी ने मेरा हरिकथा बंद कर दिया, किसी ने अत्याचार किया, बोले मच्छा आपका कोई हम तो चला गया, लेकिन बाद में निकल आया ये ठाकुर जी का करुणा है। पहले तो थोड़ा घबराहट, बहुत दिन पहले का बात है, थोड़ा बहुत चिंता में गिर गया, कैसे ऐसे हुआ ठाकुर जी, मैं तो कोई बात में देखा नहीं, ये ठाकुर जी का कृपा है, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे ऐसा प्रचार हो सकता, इतना ग्रंथ आदि का काम, इतना ये ठाकुर जी का, मैं नंगा बाबा हूँ कैसे हो सकता, ठाकुर जी ने कराया तो उसका इच्छा है, मैंने किया ऐसा भाव मेरा कभी भी दिल में नहीं है। कम उम्र वाले हैं, बहुत आचरण है, फिर भी मैं दंडवत करता हूं हर वक्त, चाहे उम्र में कम है, चाहे हिसाब का बराबर मेरा शिष्य लगता है, लेकिन मेरा शिष्य तो कोई नहीं, सब मेरा गुरु, उसको भी मैं दंडवत करता हूं। अनन्य भक्ति का रास्ते में सबसे बड़ा बात भगवान ने कह दी, मन मना भवो मद भक्त मद जाजि मन नमस्कुरु। ये जो अनन्य भक्ति का रास्ते में सबसे बड़ा बात है, मनमना भगवान जी, भगवान का चिंतन में लगे रहना, ये कोई मामूली बात नहीं है। पहला बात तो ये, आदमी चंचल है, सारे जीवात्मा चंचल है, जो श्लोक देके शुरू किया था याद कर लो, वो श्लोक श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी अक्सर बताते थे इस श्लोक को, कर्मण्यारभमानानं दुःखहत्वै सुखाय च पश्यत् पाको विपर्यसं मिथुनी चारिणम निनाम। संकल्प विकल्प जो है ये बद्धजीवी का धर्म है, किसी बाप का हिम्मत नहीं है ये संकल्प विकल्प बंद कर दे। एकमात्र तो पक्का साधु गुरु वैष्णव जो है उसको जगत का किसी भी चीज स्पर्श नहीं करता, वो अनटच्ड रहते हैं, अस्पर्श रहते हैं, बाकी तमाम दुनिया का ये थोड़ा संकल्प विकल्प ये जरा काम ही है, बिना संकल्प विकल्प रह नहीं सकता, होगा ही होगा, ये माया देवी का चक्कर है। और कर्म शुरू कर देते, भक्ति का बारे में तो जानकारी है नहीं,
और जानना भी नहीं चाहता। अरे भक्ति के बारे में बोला महाराज बस करो, अरे कर्म नहीं करो तो खाओगे क्या? अरे गाधा गुरु कुत्ता बिल्ला सब खाता है, तू भी ये चक्कर में है? ऐसा बुद्धि खराब हो गया क्या? आनंद तो ब्रह्मांड का मालिक खाने नहीं देंगे। कितना आदमी हिसाब लगाओ, स्टैटिस्टिक्स बनाओ, ये पृथ्वी में कितना जीवात्मा, चाहे आदमी का रूप में या जानवर का रूप में, सब पकड़ लो, इसमें कितना आदमी नौकरी चाकरी करता है, बेरोजगार कितना है? हम तो बेरोजगार है, हम खाते रहते हैं, कैसे भगवान खाना देते हैं हमको, हैं भगवान ही जाने। तो ऐसा बात है, सब कर्म लेके सब कर्मी है, सब कर्मी है, कर्मों का बाहर कोई जाना था, वो भी सही ढंग से करे तो भी ठीक है। मैंने ये बात बताया था बहुत दिन पहले, अगर हिरण्यकशिपु का स्टैंडर्ड मापने जाए तो आजकल का जमाने का नेता फेता जो है उसको बहुत नीचे जाएगा। हिरण्यकशिपु इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, हैं बहुत हाई है इसका स्टैंडर्ड। वो भी अगर काम भोग करने जाए, इंजॉयमेंट कर, उसका तरीका अलग है। अरे ये जानवर लोगों का एंजॉयमेंट करने का तरीका वो पशु से भी नीचे है, पशु से भी नीचे है, पशु भी उससे ऊपर है, पशु ऐसा कर नहीं सकता, ये सच्चा बात है। इन लोगों का स्टैंडर्ड क्यों हाई है? बस स्टैंडर्ड हाई है, कम से कम ये जानता है, कम से कम भोग भोग भी करने जाए वो भोग का, वो जानता है इसी रास्ते में भोग करो, ये भोग का इसका तरीका भी पता नहीं, इतना गिरा हुआ इंसान है। और कर्म शुरू कर दिया, अकर्मों का शुरू कर दिया, कर्मों का तो कर्म अनादि है, जीव तत्व का बारे में मैंने बताया था, कर्म अनादि है, कर्मों का कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन कर्म अनादि होने से भी शांत अर्थात कैन कम टू एन एंड, कर्म का विनाश हो सकता अंतिम में, अगर साधु संग हुआ, भक्ति के बारे में पता चला तो कर्म का, कर्म अनादि होने से भी कर्म भक्ति में ठाकुर जी ने बताया शांत, ये अंत हो सकता, ऐसा नहीं कि कभी नहीं अंत होगा, ऐसा बात नहीं है, अंत होगा, हो सकता, लेकिन कर्म करने का कारण ये हाज कर, इवन कर्मों करने का बाद नहीं, कर्मों करने का पहले ही 5 ईयर्स प्लान बना लिया, हम तो ये करेंगे इसका बाद ये सक्सेस हो जाए, इसका बाद ये करेंगे, 5 ईयर्स प्लान, उसको खुद का पता नहीं, जो पहले वाला कर्म शुरू किया तुम्हारा ये सही होगा कि नहीं। कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, कर्मों का फल में अटेंशन मत दो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल देने वाला कौन है, तुम्हारा क्या हिम्मत है कि फल प्राप्त कर लोगे? मैंने मेरा पता है 50 लाख रुपया दे दिया किसी मारवाड़ी को, किसी ने है माया में है, वो चाहता कि 4 का छक्का लगा देंगे, बस हो गया, किस लिए दिया? वो हमको ये चीज देगा, सोने का ये सब देगा, अरे दिया तो तू दे दिया पैसा 50 लाख, बस लूट गया, अब चाइना में नौकरी करने जा रहा है, यहां जा रहा है, इतना पैसा सब हो गया। आदमी का सबसे लालची आदमी है, अगर शास्त्र मुखस्थ है प्रवचन देते बहुत सारे, लेकिन पहले देख लेना इसका लालची कितना है, वो अगर अपना लोभ पर लगाम नहीं डाल सका वो साधु है नहीं। जितना भी शास्त्र मुखस्थ है उसका अगर लोभ है, कामिनी कांचन प्रतिष्ठा में लोभ है, वो साधु बोलने का लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं सही बात कह रहा हूं। जो प्रतिष्ठा को फूंक सकता है, फूंक सकता दत्तर प्रतिष्ठा, क्या है प्रतिष्ठा? ठाकुर जी ने जो प्रतिष्ठा देगा वही है, तेलोक क्या प्रतिष्ठा दे, साधु कहलाने का लायक नहीं है।
अगर पंडित है, शास्त्र मुखस्थ है, बोला पंडित का तो वास्तव अर्थ है भगवान बोला, पंडित हो बंद मोक्षवित, किसी में बंद होगा किसी में मुक्त हो, ये जिसका ज्ञान है ये पंडित है, जो भी है। इतना शास्त्र मुखस्थ करने के बाद भी अगर लोभ है, लालसा है, तो ये गया, इसका इज्जत आज नहीं तो काट लूट जाएगा। लोभ इतना चीज है, इतना घटिया चीज है, जो इज्जत लूट लेगा, नंगा बना देगा, उसका नेकेट पिक्चर सामने आ जाएगा। से आचार्य हो कुछ भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, सबको गले विचार एक ही बनता है। तो ऐसा है, कर्मण्य आरभ मानानम, क्यों कर्म करता है, भले ये टारगेट तो एक ही है, कौन सी टारगेट है, बोले बेसिक टारगेट ये है, दुख को हटा देंगे और सुख को प्राप्त कर देंगे। और करने जाए टारगेट यही है, दुखों को हटा देंगे और सुख, वो उसको मालूम नहीं है, निरंतर अविच्छिन्न निरवच्छिन्न सुख इस जगत में नहीं है, सुख का स्वरूप का बारे में पता नहीं है। कर्मण्यारभ मानानम दुख चहत्व सुखाय च, दुखों को हटा देंगे सुख को प्राप्त करेंगे, आनंदम ब्रह्म, सारे मुखस्थ करते रहते भगवान आनंदमय सुखमय, ब्रह्म आनंदमय, लेकिन ब्रह्म आनंदमय इसका जानकारी है तुमको, कुछ आनंद छोड़ के तो कोई जीना नहीं चाहता, बिना आनंद ठीक ही तो है, ब्रह्म आनंदमय जीव, यहाँ तक कि एक मच्छर भी आनंद चाहता है, नया नया खून चूसेगा, कीड़े मकोड़े सारे अपना आनंद ले रहा है, भगवान का आनंद का भंडार है, लेकिन आनंद का स्वरूप नहीं जानने का कारण सारे दुखों का सागर में डूब रहा है। पश्चित पाक विपर्यसम, करने गया दुख हटाने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। पश्चित पाक विपर्यसम मिथुनिचारिणम निधम, मिथुनिचारिणम निनम, इसका अर्थ ये है, सारे जॉइंटली दे आर ट्राइंग। और एक छुपा हुआ अर्थ होता है, स्त्री पुरुष मिलकर कोशिश करते हैं, मिथुनिचारिणम, ये दो किस्म का अर्थ होता है, मिथुनिचारिणम निनम, तमाम आदमी, एक पक्का साधु का लक्षण है, उसको अगर तुम हजारों भक्तों का बीच में रख दो, वो महसूस करेगा आनंद, क्योंकि उसका अंदर में आनंद ही आनंद है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज कहते थे, मैं हजारों हजारों लोगों का भीड़ में एकांत में रहने का एकांत में रह लेता, इसका माने आम आदमी समझेगा नहीं, बाहरी दृष्टि में हजारों लोगों लाखों लोगों का भीड़ भड़का है, फिर भी अंतर में निस्संग होके केवल गुरु विष्णु का संग, हरिकथा कीर्तन, एकांत में रहने का यही मिस्ट्री है, महापुरुष का ये लक्षण है। ये इसका कोई दुनिया का संग प्राप्त करने के लिए कोई चाह है नहीं, कैसे वो संग देगा, अच्छा संग। तो पश्चित पाक विपर्यसम, ठीक उल्टा हो जाता है, दुख आ गया, करने गया दुख हटाने के लिए, और हो गया डबल दुख। लड़के लड़का का शादी दे, घर में एक बहू आए, बहू आए और आनंद ही आनंद है, शादी दिया इसी आनंद लेकर, आ हो गया उल्टा, खटिया खड़ा कर दिया, ऐसा ही चलते रह गए दुनिया। मन जो है, ये मन का जो मन मना भव मद भक्त बोला ना थोड़ी देर पहले, ये बड़ा असंभव है, फिर भी संभव है, क्या कुछ नहीं संभव है गुरु वैष्णव का कृपा से, क्या कुछ नहीं संभव है गुरु वैष्णव का कृपा से, क्या कुछ नहीं संभव है, सब संभव है, सब संभव है, ये विश्वास रखना चाहिए। मन मना भावो, ये बहुत मामूली बात नहीं, मदगत चित्त मदगत प्राणा, सब बहुत सारे श्लोक भगवान बताए,
लेकिन मन को भगवान में लगाना टिकाना ये असंभव है, फिर भी संभव है, क्योंकि अंतकरण का जो वृत्ति है, अंतकरण का मन, अंतकरण का कंस्टिट्यूएंट, अंतकरण का जो कंस्टिट्यूएंट गठन जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार है, इसको लेकर अंतकरण गठित हुआ, अंतरात्मा अंतकरण गठित हुआ, और अंतकरण का वृत्ति अंतकरण गठित हुआ, अंतकरण का जो वृत्ति संकल्प विकल्प कहते रहते इसका नाम है मन। अंतकरण एक है लेकिन फंक्शन का, एक एक फंक्शन का अनुसार, ये एक एक फंक्शन का अनुसार एक एक नाम पर गया। जैसे अंतकरण का, जैसे अंतकरण का, जैसा जैसे अंतकरण का जो वृत्ति, इसमें संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, और अंतकरण का जो वृत्ति वो मन का संकल्प विकल्प का अनुसार जो संकल्प किया, वो संकल्प का जो विषय है वो विषय एक चेहरा लेके पैदा हो गया, इसका नाम है चित्त। आई बात समझ में? जो संकल्प को, संकल्प विकल्प चल रहा है, विकल्प तो छोड़ दो, संकल्प होगा हो गया, संकल्प विकल्प के बीच में संकल्प कर लिया, संकल्प का जो विषय है वो एक विषय का चेहरा लेकर अंतर में प्रकट हो गया। जैसे ये लड़की को चाहिए, खूबसूरत लड़की, हाँ एकदम, अरे तेरा ऐसा दो तीन दोस्तों में लड़ाई हो गया एक लड़की का पीछे, मानो की दुनिया में लड़की है ही नहीं, एक ही लड़की है बचा हुआ, इसका पीछे तीनों दोस्त का लड़ाई हो गया, इस एक दूसरे को खून कर दिया और खून करके एक भग गया, और दूसरा जो है ये डर के मारे ये भी भगा। ऐसा संकल्प विकल्प का मन है, और संकल्प करने के बाद जो विषय का एक चेहरा लेकर जो हृदय में पैदा हो जाए, ये जिसका वृत्ति है इसका नाम चित्त है। चित्त में चपकते रहता है मैग्नेट जैसा, चित्त का एक सहज मीनिंग है चिपकना, पट से कैमरा जैसा है, इसको खींच के अंदर में ले लेना बस। और अहंकार के द्वारा ये मेरा, मैं मेरा, ये संकल्प तो होते रहता है आगे, मैं मेरा ये जो विषय है ये अगर मर मिट जाए तो कोई कुछ काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। मैं मेरा नहीं है कुछ, मैं मेरा ये जिंदा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि ये संकल्प विकल्प जो होते रहता है इसमें निर्णय लेना डायरेक्टर है, इसको चूज करना, जैसे कंपनी का डायरेक्टर है क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकल पोजीशन ऐसा हो गया, इसमें निर्णय लेने का जो डायरेक्टर निर्णय लेगा तो बुद्धि को डायरेक्टर बोला जाए, और बंधन में डाला हुआ जो है मैं मेरा है ये अहंकार है, हो गया छुट्टी। ऐसा करके तमाम दुनिया उल्टा रास्ता में दौड़ रहा है। गीता में भगवान अपना दोस्त अर्जुन को दिल खोल के सारे बात बताना चाहता है, बोले मैं तुमको सारे बताना चाहता हूं, जो ऐसा प्रिय मानाई हो बक्षामि, तुम मेरा बहुत प्रिय हो, और मैं छोड़कर ऐसा कोई प्रवचन कौन करे, और इतना सुंदर गुप्त तत्व है, रहस्य है, अर्जुन ये जानने का बाद जानने का कोई शेष नहीं रह जाता, इतना सुंदर, कोई मोह माया कुछ टिकेगा नहीं, इतना सुंदर निर्मेघ, जैसे बादल से घिरा हुआ आसमान है, ऐसे हमारा अंतकरण जो है माया का
माया का मेघ से घिरा हुआ है, इसलिए अंधेरा अंधेरा छा रहा है। जब तक गुरु वैष्णव का कृपा नहीं बन जाए, अंतकरण में उजाला भाव ना आ जाए, तब तक अंधेरा अज्ञान रहेगा, हटाने का कोई हिम्मत नहीं है। बाहर का जो सूर्य देव है, ये ज्ञान का प्रतीक तो है ही है, फिर भी ये बाहर का सूर्य जो है हमारा बाहर का अंधेरा दूर कर सकता, लेकिन अंतकरण का जो अंधेरा है ये दूर करने के लिए गुरु वैष्णव छोड़ के कोई नहीं है। गुरु वैष्णव का दान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड में चुकाने वाला कोई नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ है, ये गुरुजी ने एक वाक्य बोला, एक शब्द बोला, और एक शब्दों के द्वारा हमारा जितना माया मोह है सारे मिट गया, सारे मिट गया, एक शब्द बोल दिया। और गुरुजी को ये ऋण जो है, हम अगर ये ऋण को चुकाने जाए तो मेरा जैसा उल्लू पट्टा कोई नहीं है। गुरुजी का ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता, चाहे प्रणामी दो कुछ भी करो, गुरु वैष्णव का ऋण जो है ये चुकती करना संभव नहीं, चुकाना संभव नहीं। यहां तक कि शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु वैष्णव जो एक शब्दों का द्वारा किसी का अंदर का माया मोह को फेंक दिया, दुनिया का किसी का पास इतना संपत्ति नहीं है जो ये बिक्री करके गुरुजी का ऋण को शोध करे। यहां तक कि लिखा हुआ है पृथ्वी को बिक्री कर दो, तमाम वर्ल्ड को पृथ्वी को बिक्री करो, फिर भी गुरुजी का वैष्णव का ऋण का चुकता होना संभव नहीं। इतना सस्ता दर्शन है हम लोगों का अंदर में, गुरु वैष्णव का दर्शन जो है इतना सस्ता है, तब मत पूछो, मेरा शर्म लगता है, मैं शर्मिंदा हो जाता हूं, किसका पास बताओ, कैसे बताओ। इतना सस्ता है गुरु वैष्णव का दर्शन, जे पूछो मत। शुरुआत में कह रहा था ना, कैसे ऐसे हो गया महाराज, हमारा चैतन्य महाप्रभु का खानदान है, रूप सनातन का खानदान है, भक्ति विनोद ठाकुर बाबा, इसमें कैसे ऐसा हालत पैदा हुआ, हरि कथा जैसा नहीं है, हरि कथा जैसे उब गया, हरि कथा जैसे उब गया जगत से, कुछ है ही नहीं, ये कैसे हो गया। प्रभुपाद का पास एक बंदा ने प्रश्न किया, ये आजकल ऐसा हरि कथा का दुर्भिक्ष कैसे फैल गया। प्रभुपाद जी कह रहा है, महाराज गुरु वैष्णव को अपमान करना, गुरु वैष्णव को धोखा देने का कोशिश करना, धोखेबाजी करना गुरु वैष्णव के साथ, डिसऑनर करना, सम्मान करना, ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए गुरु वैष्णव भी अपने को विथड्रॉ कर लेता है। मेरी अंग्रेजी में बहुत बार ये सारे बातें कहे हैं, जो जिस दिन हम देखेंगे तुम लोग, जिस दिन हम देखेंगे आप लोग मेरे साथ धोखाबाजी कर रहे हो, मैं डबल धोखा कर दूंगा। धोखेबाजी में मेरा साथ धोखाबाजी करे कोई, उसको हम जिंदगी भर के लिए धोखाबाजी कर दिया, जा जा जहां जाना है जा। धोखेबाज का साथ धोखेबाजी करने में कोई दोष नहीं लगता। सठे साठ्यम, शास्त्र का सिद्धांत महाभारत का। तो ये जो है, वो लोग भी चाहता है, हमने अंग्रेजी कथा में बहुत बार बताए, जब हम देखेंगे यू आर गोइंग टू चीट मी, आई कैन विथड्रॉ माई सेल्फ, हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, समाज से आस्ते धीरे धीरे उठा लेंगे अपने को। लेकिन प्रभुपाद जी का ही बात है, हरि कथा की तो नहीं छोड़ना, मरते दम तक चेष्टा करना। ये भी तो हो सकता है कि एक आदमी रो रहा है, उसका सच्चाई का जरूरी है, ऐसा नहीं तो तमाम दुनिया ही धोखेबाजी करे, एक तो होगा कोई। इसीलिए आजकल का जमाने में हरि कथा का दुर्भिक्ष है। बहुत सारे फंक्शन हो सकता है, बहुत सारे
अनुष्ठान हो सकता है हरि कथा जैसा, लेकिन अपरागित शब्द ब्रह्मों का जो सोर्स है गुरु वैष्णव वो बड़ा रेयर हो गया, इतना रेयर हो गया, इतना रेयर तो पूछो मत। वो चाहता है गुरु वैष्णव क्या करे, वो भैया वो लोग चाहते हैं कि ठीक है मंगल हो जाए, लेकिन मंगल चाहता नहीं, इसीलिए वो लोग भी धीरे धीरे सावधान हो जा रहे हैं क्या करें। तो ऐसा करके भगवान अर्जुन को बताए, अर्जुन तुम मेरा बड़ा प्रिय हो, मैं प्रिय मनाय बख्शामी तुमको कह देंगे। ऐसा बोलते बोलते दसम अध्याय का बहुत सारी 21 नंबर सूक्त तक आप पहुंचा। आदादामी बुद्धि योगम, इसका भी विचार हमने बताया था। ये अगर दुनिया में अद्वैत ज्ञान तत्व पक्का है तो मेरा मन भी है, जा कुछ जो कुछ भी झूठा है सच्चा है, जो कुछ भी अनंत ब्रह्मांड में है, अगर सब कुछ ब्रह्म वस्तु है तो अन्वय व्यति रेखाभ्याम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब भगवान ही है। मेरा अपना अपना कर्मफल का अनुसार अपना अंदर में धोखेबाजी आता था, चारों किस्म का जो मिस्टेक है ब्रह्म प्रमाद विप्रविशत पर कर्ण पटाप, दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स नेचुरली यू कैन फाइंड इन ए ह्यूमन बीइंग। एक आदमी के अंदर में ब्रह्म प्रमाद विप्रविशत कर्ण पटाप ये रहता ही है, लेकिन गुरु जी के अंदर में ऐसा नहीं है। कोई अगर सच्चे तो गुरु जी के अंदर में भी ब्रह्म प्रमाद नहीं है, अगर अगर है तो गुरु नहीं है, अगर गुरु अगर है तो गुरु नहीं है वो, ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तो हर कोई का अंदर में ये चारों किस्म का दोष डिफेक्ट्स जो है बने रहता है, लेकिन पक्का गुरु वैष्णव जो है उसका अंदर में कोई दोष नहीं है। भगवान हर हालत में कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन को, अर्जुन नित्य पार्षद है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कोशिश में है हम लोगों को दिखाने के लिए ये अर्जुन को पक्का दिव्य ज्ञान देने के लिए तैयार है भगवान। और अर्जुन को सारे बताया, अर्जुन देखो चारों ओर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब मैं हूं, जैसे अर्जुन जैसे दुष्ट दुर्योधन ने बताया था ना, दुष्ट दुर्योधन ने क्या बताया था, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अब प्रश्न आता है भगवान कभी किसी को गलत रास्ते में चलाता है, अरे नहीं चलाता है, फिर भी चलाता है कैसे, बोले वो मनमानी चल रहा है ना, वो तो शरणागत नहीं है, वो माया का चक्कर में है, तो माया का चक्कर में है, माया भी भगवान का ही है, वो अगर उल्टा काम कर रहा है तो माया का चक्कर में है, माया भी भगवान का ही है, चलो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कर रहा है कुछ। दुर्योधन का ये पता था कि धर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है। आजकल का जमाने में जो जो दुर्योधन पैदा हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर सब है, ये लोग ये पता नहीं, ये लोग ये भी खो बैठा याददाश्त, ये सही नहीं है, ये क्या बात है क्या चल रहा है, इसे क्या चल रहा है, जो जिंदगी में देखा है पॉलिटिक्स भी है, उसका भी एक कीमत है, उसका भी एक ग्रेड है, वो कहां जाते रहते हैं नीचे है? क्या हो रहा है। तो दुर्योधन जैसा ये इसका भी ग्रेड है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा इसका। जब भी दुर्योधन को हम लोग सब यू नो छांट के रख दिया, फिर भी दुर्योधन जैसा वो ऊंचा है, आजकल के जमाने में जो स्टैंडर्ड है इससे ऊंचा है दुर्योधन। देखते उसको उसको ये है अपना कर्मफल जो है वो माया का चक्कर में है, भगवान को चाहता नहीं, तो माया का चक्कर में फंस कर जो करना है तो इनडायरेक्टली भगवान से ही करवाता है। एक पत्ता भी हिलता नहीं है भगवान का करुणा, भगवान का कृपा, भगवान के इच्छा का अलावा एक पैर का पत्ता भी हिलता नहीं, यूं समझ लो एक पत्ता भी। सर चनामी धर्म, मैं धर्म क्या बोलता है जानता हूं,
कम से कम तो ये बताया, कम से कम तो ये बताया मैं धर्म क्या जानता हूं। अरे ये तो बोलते जानकारी भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये बोल रहा है मैं धर्म क्या जानता हूं, लेकिन प्रेरणा नहीं मिलती है। मैं जानता हूं ये अधर्म है, इसका भी जानकारी है, लेकिन मैं रोक नहीं सकता अपने को। और ये धर्म है ये मालूम है, लेकिन मेरा अंदर में प्रेरणा नहीं आता। ये प्रेरणा का बात देख के ही मैंने शुरू किया था, याद करके देखना। परमात्मा का रूप में भगवान हृदय में बैठा हुआ है, चैत्य गुरु का रूप में भगवान अगर प्रेरणा देगी देगा, भगवान का प्रेरणा दे तभी गायत्री मंत्र जप कर सकता, हरिनाम कर सके, हरि कथा बोल सके, तमाम दुनिया का सत्कर्म जो है हो सके। और इनडायरेक्टली भगवान का ही प्रेरणा, माया का प्रेरणा मतलब भगवान का ही हो सके। तो एक पत्ता भी हिलता नहीं भगवान की इच्छा के अनुसार। और ऐसा है भगवान ने डायरेक्टली इंडस्ट्री तमाम बता दिया। देखो दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ दिखता है जो कि नहीं दिखता है, तमाम मैं हूं अर्जुन, तमाम मैं हूं, तमाम। इसीलिए तुमको बोल रहा हूं मत चित्वा मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमंति च। आपस में भक्त लोग इष्ट गोष्ठी चर्चा करते रहो हरि कथा। जो अगर ऐसा करते रहे इसके लिए मैं सुलभ हूं, तेसाम सतत युक्तानं भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त्वं जेनो मम उभयान्ति थे। ये बुद्धि योग जो है ये भी भगवान से ही आता है। ददामि बुद्धि योगम, जैसे हमने बताया किसी ने सुबह में उठकर हर रोज गुरु जी का चरण चिंता करे, पहले गुरु वैष्णव का चिंतन करे और गजेंद्र मोक्षण का चिंतन करे। नींद टूटने के बाद ही बिस्तारा में बैठ के एक मिनट गजेंद्र मोक्षण, गजेंद्रों को, गजेंद्र फंसा हुआ है, गजेंद्र को ठाकुर जी मुक्त कर, हरि मुक्त करने के छलांग लगा के आया है, गुरु पृष्ठ वाहन चक्र छोड़ दिया ग्राहक को काटने के लिए, ऐसा अगर तस्वीर हृदय में बैठ जाए सुबह में, तो भगवान ने वादा किया जे उसका शरीर छोड़ने का टाइम से भगवान ने वादा किया, अगर किसी का दिल में ये पिक्चर पैदा हो गया हृदय हृदय में, हर रोज जो चिंता करते रहते हैं, वो मरने का समय में ददामी विमलाम बुद्धि योगम, उसको विमल बुद्धि योग में देता हूं जैसे कि मेरे को प्राप्त कर सके। और अर्जुन ने कहना शुरू कर दिया, इतना सुनने का बाद भगवान ने कहा देखो ऐसा जो चाहता है, जो हृदय से चाहता है, जिसका दिल में चाहत है कि मेरा दिल में अज्ञान ठहरे नहीं, अज्ञान टिके नहीं, अज्ञान नहीं रहे, आए नहीं, बिल्कुल ये सिंसियर है, चाहता है भगवान, इसका चाहत है दिल में। भगवान कहते हैं तेसाम मेवानु कंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपितेन भाष्यता। मैं हृदय में प्रविष्ट होकर दिव्य ज्ञान का दिया जला देता हूं मैं, और इसका अंदर में कोई अज्ञान कोई अंधेरा नहीं टिकेगा। बाहर का सूर्योदय जो है वो बाहर का हमारा अंधेरा काट सकता है, लेकिन अंतर का अंधकार काटने के लिए गुरु वैष्णव जी अज्ञान अतिमिरंदस्य ज्ञानांजन सलाक्या चक्षुरुनेतम येन तस्मै श्री गुरु विनो दंडवत कर दिया, कोई अनुभव में नहीं आया। क्या बोला है, क्या बकबकाया, बोले बोल दिया ऐसा मुकुश तो हो गया, ठीक है तोता जैसा। हमारा निष्किंचन महाराज चंडीगढ़ मठ का कहते थे हंसते हंसते, बोले तोता जैसा है, मुकुश कर दिया, ए शिकारी आएगा पकड़ के ले जाएगा, सावधानी से रहना है, सब बच के रहना। अरे मूर्ख है, खुद शिकारी आया, शिकारी का जाल में खुद ही फंस गया।
निष्किंचन महाराज बोलते थे यार, हम लोग हंसते थे, बोले ये मुखस्त कर लिया महाराज शास्त्र का वचन, ओ ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लेक्चर दे दिया और खुद घर खुद जाके देखो वही कर रहा है, आचरण नहीं है उसका, लेक्चर का क्या कीमत है, कोई एक पैसा है? दुनिया को उल्टा रास्ता में चला रहा है। शास्त्रों में बताया जो शास्त्रों जानता नहीं उससे भी भयंकर है, क्योंकि ये शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहा है ना। ये तो खैर छोड़ो, शास्त्र जानता नहीं ठीक है चलेगा, तो किसी को भड़काएगा नहीं, आए उल्टा रास्ता भी चलाएगा। हैं? तमाम दुनिया को उल्टा रास्ता दिखाएगा। और इसका साथ साथ वक्ता श्रोता, वक्ता श्रोता दोनों नरक में जाएगा, ठीक है। तो भगवान ने प्रतिज्ञा करके कर दिया, तेसा मेवानुकंपार्थम, हम अनुकंपा दिखाने के लिए हम क्या करे, बजे तेसाम मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह न सयामी आत्मभावस्थो, हम इसका हृदय में प्रविष्ट होकर पूरा एकदम ज्ञान का दीपक दिया जला देता हूं, अंधेरा कहाँ रहेगा, ज्ञान दीपे न भस्सता। ऐसा जब कह दिया तो अर्जुन ने बड़ा भारी प्रसन्न होके कहना शुरू किया, परम ब्रह्म परम धामो पवित्रम परमाम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभुम, ऐसा करके और कह दिया कि सर्वम एतद ऋतम मन्ने, आप जो कह दिया सारे मैं विश्वास करता हूँ सच्चा है, सर्वम एतम ऋतम मन्ने जन्म्याम बदसी केशव नाही ते भगवान भक्तिम विदुर देवानुदान, आपको जान आपको जानने का हिम्मत किसका अंदर में, न दैत्य दानव मानस कुल में किसी का अंदर में, आपको कौन जाने, आपको जानना संभव है। और एक प्रश्न कर दिया, जो आपने तो विभूति बहुत सारे बताया, और केशु केशु भावेशु चिंतयसी, ये बताओ जरा कष्ट करके, ठाकुर जी थोड़ा कष्ट करना, कृपा करके बताने का कष्ट करे कि कैसे कैसे आपको भावना करूं, क्योंकि तमाम दुनिया में ये दिखता है ये दिखता है ये दिखता है, चांद सितारे ए सारे तमाम दुनिया में सारे तमाम दुनिया का चीज दिख रहा है, तो केशु केशु चोभावेशु चिंतयसी, आपको किस किस विषय में कैसे कैसे चिंता करूं, भगवान ने बताना शुरू कर दिया। 21 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था और भगवान ने बताना शुरू कर दिया, विभूति है, विभूति मतलब भगवान का जो पावर है, भगवान का जो प्रकाश है ज्यादा जिसमें है, समझा मेरा बाप, आई बात समझ में, हैं? जैसे नक्षत्राणाम महम शशि, नक्षत्र का अंदर में चंद्रमा सोच लो, क्योंकि पृथ्वी के लिए हमारा यही सबसे बड़ा, नक्षत्राणाम नक्षत्राणाम अहम शशि, जो जो विभूतिमत, जो जो विभूतिमत वस्तु है, विभूति मतलब जिसका अंदर में भगवान का पावर शक्ति का प्रकाश ज्यादा है, प्रभाव प्रभाव ज्यादा है, इसके अलावा बहुत सारे चीज है, ऐसे विचार करो तो अनंत ब्रह्मांडो अध्याय के अंतर तो सारे भगवान का ही है, तो ये बताने का क्या जरूरी है, जरूरी है इसलिए जिसमें जैसे सूर्य उदय हुआ, ये जितना सारे तुम्हारा आदित्यानम द्वादश आदित्य मध्य में द्वादश आदित्य है, महीना महीना में घूम के जाता है द्वादश आदित्य, एक एक महीना में, इसका नाम है द्वादश आदित्य का, धाता मित्र अर्जमा है न, रुद्र वरुण सूर्य भगो विवत्सन पूषा सविता त्रष्टा विष्णु, सारे ये जो है एक एक करके घूमते रहते। सो आदित्यानम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि रंशुमान और मरीचि मरुतामस्मी नक्षत्राणम अहम शशि,
विभूतिमत वस्तु जिसमें भगवान का प्रभाव ज्यादा विकसित है, प्रकाशित है, क्योंकि आम आदमी इतना कम बुद्धि वाले हैं, ये तो तमाम वस्तुओं में भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। कर सकता है? ये संभव है? किसका लिए संभव है? तो आचार्य बनना बहुत इजी है, साधु बनना, आचार्य बनना। बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, अरे सुन, पहले आदमी बनना है। बामन गोस्वामी महाराज वो कहते थे, अक्सर कहते थे, अरे आगे तो मानुष होते हो, आए पहले आदमी होना जरूरी है, हैं? पहले आदमी, पहले सबसे सबसे पहले ये जो है ना, सबसे आदमी सच्चा आदमी होना जरूरी है, उसका बाद कभी भगवान का कृपा हो तो हो जाएगा साधु। साधु मतलब ये नहीं कि हमारा इच्छा हुआ संन्यास ले ले, चलो चलो हमको दे दो, ये आजकल का हो गया। रोकने वाले कोई नहीं है, कोई रोकने जाए तो उसका लाश गिर जाएगा, ये मेरा पक्का है, कोई नहीं है रोकने वाला, सब गया। वो संत महाराज गया, वो केशव गोस्वामी महाराज गया, जो चप्पल लेके मुख में मारे, हाँ मेरा सामने आ, हिम्मत है तो, ये सब गया। अब बताने वाला कोई नहीं है, यार मारा मरने दो, कोई करता चूल्हे में जाए, मैं अपना लेके रहता हूँ, मैं बड़ा वैष्णव हूँ, अपना लेके रहता हूँ, अपना मठ काय को दरकार है झमेला, ठीक ही तो सही बताए, क्या दरकार है, जहन्नुम में जाए संप्रदाय तो तुम्हारा क्या आता जाता, यही बात है। ये जो है बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, पहले आदमी होना जरूरी है, पहले आदमी बन जाओ पक्का एकदम, उसका बाद कभी तकदीर अच्छा है तो साधु बनोगे। साधु कोई बेस नहीं है, आजकल का जमाना मर रहा है, हमारा करने का कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ तो कुत्ता का माफिक चिल्लाते फिरूं, कहाँ कहाँ तक जाए, संभव नहीं है, मर रहा है, मर रहे तो क्या करें, हम बचाने जाए तो कैसे बचाए, इतना चिल्ला रहा हूँ दिन भर कुत्ता का माफिक, मेरा आवाज कहाँ तक जाएगा, और हिंसा करके बोले ए बंद कर, ये हरी का तो नहीं चलाना, कहीं के मठ में उदय बंद कर दे, ये नहीं नहीं, ये नहीं चलाना, क्यों, भूत उतर जाएगा ना, जब भूत ही उतर जाएगा तो सच्चाई पैदा हो जाएगा, तब देखेगा कौन, मेरा मंगल हो जाएगा तो कौन देखेगा। आदित्वानम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंसुमान मरिचीर मरुताम अस्मी नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान ने कह दिया, द्वादश आदित्य का बीच में मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ, ज्योतिष को गण का मध्य में मैं कुरन किरण माली सूर्यम हूँ, सविता हूँ, मरुदगणों में मैं मरिचि हूँ, और नक्षत्रों का अंदर में मेरा विभूतिमत वस्तु जो है चंद्रमा है। ऐसे तो तमाम इन्फिनिटी ब्रह्मांड में सारे भगवान ही है, कहाँ कुछ है, सब भगवान है, सब भगवान अनंत ब्रह्मांड में, जहां जो कुछ भी समान है, कुछ भी चीज है, दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता, तमाम ब्रह्म वस्तु है, भगवान ही है, भगवान छोड़के ब्रह्म छोड़के और कुछ है ही नहीं, कैसे। और आगे चल के 22 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जब वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों का अंदर में मेरे को सामवेद बोल के, सामवेद का गाना जो है बहुत अच्छा लगता है, सामवेद का जो हाइम्स जो है वो अगर गाया जाए तो इतना अच्छा लगता है कि दिल झूमने लग जाए, अगर असुर नहीं है तो, असुरों का दिल झूमेगा नहीं ये पक्का बात होनी चाहिए। वेदानाम साम वेदोस्मि आदेवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूतानाम अस्मि चेतसा चेतना सॉरी भूतानाम अस्मि चेतना क्या बताया भाई, वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूतानाम अस्मि चेतना, क्या क्या बता दिया भगवान,
मतलब वेदों का अंदर में चार वेद है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। इनमें से मेरे को सामवेद बोल के, क्योंकि सामवेद ऋग्वेद भी अच्छा है, आदि वेद, ऋग्वेदों का अंदर में जो गायत्री मंत्र आदि सब ऋग्वेद में, तो सामवेद का प्रभाव ज्यादा है समाज में। और इतना सुंदर है हमवेद का हाइम्स जो है, वेदानम साम वेदोस्मी, इसीलिए बता भगवान आदेवान अस्मी वासव, वासव मतलब इंद्र, देवगणों में मैं इंद्र हूँ प्रधान। और इंद्रियाणाम जितना सारे इंद्रिया हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, और एक है खतरनाक, इसका नाम है मन, ये एकादश इंद्रिय, ये एकादश इंद्रियों का अंदर आता है मनो एव मन स्वानम करणम बंधनम अक्षयो। मन ही आदमी का बंधन और मुक्ति का कारण है। मन, मन छोड़ के वही को नहीं, मन ही है बद्ध मन, बद्ध मन आदमी का मुक्ति का कारण बना बता दे, और बद्ध मन बंधन का रास्ता बता दे, मुक्त मन, मन एव मन स्वानम कारणम बद्धन बंधन मुक्षयो। फॉलो। और भजन करने जाओ, पहला प्रश्न ये आता है, कौन अपना मन को काबू में ला पाया। सबसे बड़ा सवाल है ये है, किसका हिम्मत है कि मन को काबू में ला। अगर योग ज्ञान हठ योग के द्वारा मन को कंट्रोल करने का कोशिश करोगे व करोगी, तो इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अप टू सर्टेन पॉइंट, अप टू सर्टेन पॉइंट, इसका बाद फिर हंगामा मच जाएगा दिल में, फिर हंगामा, फिर मुसीबत खड़ा हो जाए। कितना देखा है, जोग करने के लिए गया हॉट जोग, उसका बाद पतन हो गया, क्या स्वर्ग का अप्सरा आए, स्वर्ग का अप्सरा आए, नाच दिखाई, बस हो गया खत्म। लेकिन ये जो तिलोत्तमा आदि नित्य करे, ये पक्का जो संत महात्मा है, इनको इसको हिलाना मुश्किल है, इसको हिलाना मुश्किल है। जभी तो देखा नर नारायण अभी तक तपस्या कर रहे दोनों बद्रिकाश्रम में, नर नारायण बार मैंने गया कई बार, दिल का खिंचाव था, गुरुजी को परमिशन लेके, गुरुजी जाने के बाद तीर्थ महाराज जी का परमिशन लेके गया, और जाके दिल उदास हो गया, क्या देख रहा हूं मैं, कौन हूं, छोटा मोटा एक इंसान भी नहीं हूं मैं, इंसान भी नहीं बन पाया, मेरा कितना कमी है। और जाके महसूस हुआ नर नारायण पर्वत, और शास्त्र में लिखा है ये नर नारायण पर्वत का रूप से है, तपस्या कर रहे हैं, और नर नारायण का तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आया था, इंद्र स्वर्गराज इंद्र भेज दिया, तिलोत्तमा आदि सब, तो कुछ नहीं कर पाया, ऊपर से इतना डर गया, भागने के लिए तैयार हुआ, भाग यहां से, चौंक गया डरने, एकदम डर के मारे भागना शुरू कर दिया। और उर्वशी को अपना उरु थाई, थाईलैंड, थाई जानते हो ना, थाई अपना जो बॉडी का पैर का घुटना जिसका ऊपर होकर थाईलैंड बोलता है, इसे घिसकर, इसको घिसकर पिसकर उर्वशी बना दिया, जा जा स्वर्ग में भेज दिया, उसका सेवा कर जा, उर्वशी से बढ़कर कोई नहीं है उर्वशी का मैन्युफैक्चर कर दिया नारायण ऋषि ने, उर्वशी का मैन्युफैक्चर कर दिया, वो जा एक भी ले जा, ला भोगने का सामान है, एंजॉय कर जा बक वो डर गया, एक सांप दे दे तो हो जाएगा मेरा खत्म दादागिरी सारे। तो वेदानम साम वेदोस्मी आ देवानम वासवहा, वासव मतलब इंद्रो, आ इंद्रियानम मनस्वास्मी, सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांतरा,
भागवत में लिखा हुआ है तमाम भजन करने जाओ, कोई भी भजन करने जाओ, ऑथेंटिक भजन हो तो सबसे हम ऑथेंटिक भजन का ही बात कर रहे हैं। भक्ति का छोड़ दो, ज्ञान जो कभी कोई करे तो करे, ठीक है उसका मर्जी है, लेकिन कोई भी भजन रास्ते में जाए, ज्ञान योग है ना भक्ति किसी भी मार्ग में जाओ, पहला कदम उठाना पड़े वो मन को बस में लाना जरूरी है। बिना मन को बस में लाए क्या करोगे? मन अगर बस में नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, भागवत में बताया गया सर्व एव, कोई भी रास्ते में जाओ भजन का, सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड। मन बस में नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर नहीं है तो ठीक है, गुरु जी का अनुगत्य में प्रैक्टिस करते चलो, अभ्यास न दूब बनती हो वैराग्य न चौग्रिया तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन चिटिंगबाजी मत करो, धोखेबाजी मत करो, सही रास्ता पे चलो। इंद्रियाना मनस्चास्मि, इंद्रिया जो एकादश इंद्रिया है इसमें मैं मन हूं, भगवान कह रहे हैं। जिसको बस में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भगवान ने जब मन के बारे में बताया, अर्जुन ने बोले अरे इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, अरे मन को बस में नहीं, असंभव। मनहा दुर निरिग्रहम चलम, भगवान ने भी खुद स्वीकार किया, यस ठीक बताते। तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्करा, अर्जुन ने बताए तुम तो मन को कंट्रोल में लाने का बता, अरे मेरे को देखता, मैं तो देखता हूं कि मन को कंट्रोल असंभव है, वायु रिव सुदुष्करा। तस्याहम निग्रहम मन्ने, मन को कंट्रोल में न काबू में लाना असंभव है। तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्करा, सुदुष्कर असंभव है, क्वाइट इम्पॉसिबल। और असंभव का पीछे भी अगर कोई शब्द है वो भी लगा सकता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भगवान ने बोला ठीक बताए, मनह दूर निरिग्रहम चला, मैंने स्वीकार कर दिया ठीक है, लेकिन फिर भी संभव है। कैसे? पहले अभ्यास न तू क्यों वैराग्य न चौग्यत, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अभ्यास जो करते चलो, आज नहीं तो कल मन का ऊपर अपने आप कंट्रोलिंग आ जाएगा। तो इंद्रियाना मनुष्यास्मी, इंद्रियों में सबसे बड़ा बलवान जो है मन, मैं हूं। और भूतानाम भूतानाम अस्मी चेतना, तमाम अनंत जीवों का अंदर में जो चेतना बैठा हुआ है, चेतना है सुप्त चेतन विकसित चेतन है ना पूर्ण विकसित, सारे भगवान जैव धर्म में बता दिया भक्ति में ठाकुर जी ने। चेतना का आच्छादित चेतन वृक्ष है, वृक्ष पेड़ पौधा का चेतना है, लेकिन आच्छादित चेतन है, और स्टोन पत्थर आदि उसमें चेतना बिल्कुल छुपा हुआ है, आच्छादित चेतन, मुकुलित चेतन है, विकसित चेतन पूर्ण विकसित, बहुत सारे ग्रेड है। तो ये भूतानम अस्मि चेतना, भूतों का अंदर में जो कुछ है ये चेतना मैं हूं, अर्थात प्राण जो है ये मैं हूं। और रुद्राणम शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्र जो है इसमें रुद्राणम शंकरश्चास्मि, ये रुद्र गणों में मैं शंकर हूं, रुद्राणम शंकरश्चास्मि। अब वित्तेशो जक्ष रक्षसाम, समझा? एकादश रुद्रों का अंदर में मैं शंकर हूं, और जक्ष रक्षों का अंदर में मैं कुबेर हूं, धनपति कुबेर हूं। अष्टवसु का अंदर में मैं अग्नि, एवं पर्वत का अंदर में मैं सुमेरु हूं। अष्टवसु का अंदर में मैं अग्नि हूं, और पर्वत गणों का अंदर में मैं सुमेरु हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो जक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः
शिखोरीनाम अहम सुमेरु पर्वत में। और भगवान कहते चले, अर्जुन सुनते चले, पुरोधोषांच मुख्यम माम विद्धि पार्थो बृहस्पतिम। पुरोधोषांच मुख्यम माम विद्धि पार्थो बृहस्पतिम। सेनानाम अहम सेनानीनाम अहम स्कंदः असरसाम अस्मि सागरः। पुरोधोषांच मुख्यम माम विद्धि पार्थो बृहस्पतिम। पुरोहित गणों में मेरे को बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति बोल के जानो। आ सेनानीनाम अहम स्कंधा, सैन्य वाहिनी जितना सेनानी है, सेना नायक के अंदर में मैं देव सेनापति कार्तिकेय कार्तिक हूं मैं स्कंद। आ सरसाम अस्मि जलाशय समूह का अंदर में मैं सागर हूं। सरसाम अस्मि सागर है, जलाशय में मैं सागर हूं। सागर में भी एक तो अखंड सागर है, फिर भी विभाग है, ये बे ऑफ बंगाल पर गया, रेड इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये हैं ऐसे नाम पड़ गया, अलग अलग नाम पड़ गया, लेकिन सागर तो एक ही है, पानी कहाँ जाए। महर्षि नाम भृगु रहम, महर्षि गणों में तेजस्वी भृगु मैं हूँ। महर्षि नाम भृगु रहम गिराम अस्मि एकाक्षरम, अक्षरों में मैं एकाक्षर शब्द हूँ। ओम इति एकाक्षरम जो बाहरण माम अनुस्मरण जब प्रयाति देयन देहम स्वयाति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम जो बाहरण माम अनुस्मरण जब प्रयाति देयन देहम स्वयाति परमाम गतिम। तो महर्षि न भृगु रहम, महर्षि गणों में अगर विचार करो तो मैं भृगु हूं। महर्षि न भृगु रहम आ गिरास्मि एकम अक्षरम, ओम इति एक अक्षर, इस ओमकार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ओमकार शब्द ये मैं हूं। गिरास्मि एकाक्षरम ओम इति शब्द और यज्ञानम जप योगोस्मि, जितना सारे यज्ञ है ध्यान देना, जितना सारे यज्ञ है चाहे राष्ट्रीय यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ है बृहस्पति सब यज्ञ है कुछ भी यज्ञ है तमाम यज्ञों से भगवान ने स्वीकार भी किया। यज्ञानम जप योगोस्मि यज्ञों में जप योग्यो सबसे बड़ा ऊपर है। जप योग्य बोलते हैं भगवान का नाम योग्य, कोई अगर उल्टा समझे कि देवी मैया का जप करने हमारा ये तो भगवान बोला है पागल का माफी विचार करेगा। अरे यज्ञानाम जप योग्योस्मि जरूर ये जप किसका नाम करे, किसका नाम करे हैं भगवान का नाम और क्या, भगवान जो कि है ही क्या। यज्ञानाम जप योग्योस्मि और इसीलिए हरिदास ठाकुर जी ने, हमारा हरिदास ठाकुर जी ने आचरण करके दिखाया जप योग का महिमा कैसे कैसे एकदम दलित बिछड़े एकदम नीचा खानदान और इतना यहाँ तक कि लक्षईरा वेश्या को भी इतना खतरनाक वेश्या उद्धार करके रख दिया भगवान का, जप योग का इतना प्रभाव है। तो महर्षि नाम भृगु रहम, भृगु का कितना प्रभाव है देखो शास्त्र में आता है। भृगु जी ने परीक्षा करने गया, सबने मिलकर भृगु तेजस्वी है, भृगु को है ना भृगु को दे दिया सौंप दिया ये विचार आप करो। और भृगु में सारे जगह गया, शंकर के पास गया ब्रह्मा का पास गया, तीन देवों सा
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका विचार कौन करेगा? भिगु को भेजा, भिगु शंकर के पास गया और चला आया, फिर शंकर भगवान को गुस्सा आ गया। पितामह भगवान ब्रह्मा के पास गया तो वो भी गुस्सा हो गया। अब विष्णु के पास गया, विष्णु सोया हुआ था, भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी पैर दबा रही थी और एक जाके एक लात लगा दिया छाती पे। कितना हिम्मत है देखो, कितना हिम्मत है देखो, भगवान का छाती में लात लगा दिया। ए? भगवान ने आहा करके उठा, आपका चरण में कितना लगा होगा, मेरा छाती पत्थर जैसा है, आहा आओ आओ मेरा पास आओ, थोड़ा चैन को धुला दे, कितना कष्ट हुआ होगा आपका, मेरा सर मेरा छाती पे लत लगा दिया। कहो ब्राह्मण किस लिए आना पड़ा, महर्षि किस लिए आना पड़ा, कहो क्या सेवा। वो तो हैरान हो गया, अरे मारा था एक लात, अरे गुस्सा होना तो दूर की बात है, भगवान उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। और यही सबसे पक्का है, ये विष्णु सबसे बड़ा ऊपर है, इसका कोई क्रोध नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं है, ये चीज सही है। अपना जो सल्यूशन है सुना दिया, अपना समाधान, बोले देखो ऐसा ऐसा हुआ और विष्णु के पास गया, मैंने लात लगा दिया, फिर भी ठाकुर जी बड़ा कृपा करके बोले कितना कष्ट हुआ होगा, मेरा कसूर है, क्या कसूर है कि मैंने आप आया मेरे को पता नहीं चला, मेरा कसूर है ये, जरूर क्षमा करना। भगवान ने दया का सागर है, क्या क्या सब दिखा दिया भगवान। तो महर्षि नाम ये भृगु को दिया, भृगु बड़ा जबरदस्त पावरफुल है, ये भृगु जो है ये यज्ञ करने बैठा था, ये जो दक्ष यज्ञ हुआ था ना, ये भृगु मेन पुरोहित, अरे बाप रे बाप, भृगु बैठा हुआ था। जब शंकर भगवान ने भेजा, ओ भृगु ने क्या किया, अपना अग्नि में घृताहुत दिया, ओम सुहा बोल के, और सब देवता लोग पैदा हो गया, बड़ा मारपीट करने वाला, उसका जो एक बैटेलियन पैदा हो गया, एकदम उन लोगों से लड़ाका काटा पीटी शुरू कर दिया। इतना अग्नि में आहुति दिया, भृगु का इतना पावर है, भृगु ने एकदम बैटेलियन सब फोर्स पैदा कर दिया आंख से, ऐसा पावर है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि महर्षि नाम भृगुरहम अगिराम एकाक्षरम गिराम अस्मि एकाग अस्मि एकाक्षरम, ठीक है। और अज्ञानम जपो युगोस्मि, हरिदास ठाकुर ने साबित करके दिखा दिया, ये नाम भजन का ऊपर कुछ नहीं है, जप जज्ञानम जपो युगोस्मि, आई बात समझ में। और स्थावर आना हिमालय, स्थावर वस्तुओं में कौन सबसे बड़ा महिमा किसका है, बोले हिमालय जैसा तो कोई नहीं है, हिमालय जैसा तो कोई नहीं है, हिमालय सबसे बड़ा, हिमालय का पास पहुंच जाओ तो अपना जो खुद्र अपना जो नंगापन समझ में आ जाएगा, अरे बाप रे हिमालय है, इसका सामने कोई चालाकी चलेगा क्या, जाओ और फिसा फिसा सब छूट जाएगा। हिमालय का एक अवस्था में ठाकुर जी जैसा कर दिया था ना बहुत दिन पहले, वो पूरा सुनामी हो गया था हिमालय में, हैं क्या हो गया था, पूरा एकदम बादल और पूरा एकदम ध्वंस हो गया वो केदारनाथ में, हैं इस समय में सारे मिटमाट कर दिया भगवान। उस समय में अगर कोई बंदा फंसा हुआ होगा, ऐसा भी बंदा का साथ मेरा देखा हुआ है, फंस गया था, अरे महाराज क्या टेरिबिक सिचुएशन, बचने का कोई रास्ता ही है नहीं, सारे रास्ता ब्लॉक है, कहां से जाओगे, इधर से नदी बह रही है, वहां से एकदम बादल एकदम गिर रहा है, जैसे फायर ब्रिगेड से कोई पानी फेंक दिया, कहां जाए, गाड़ी बहते जा रही है, आदमी चला जाता है, अपना पति के सामने पत्नी जा रही है, बच्चा जा रहा है, किसी का हिम्मत नहीं है किसी को रुके, अपना जान लेके सब व्यस्त है। महाराज एक कहा वो स्विट्जरलैंड नहीं वो था नीदरलैंड नहीं ओके जगह एक भूल गया उसका
वो जगह का वो उसका नाम है मार्शल क्या है, वो फंस गया था हमारा साथ वो बांग्लादेश का बॉर्डर में सिलापन गोस्वामी महाराज जी का उधर हरिकथा में गया था, वो मेरे को बहुत प्यार करता है, वो बच गया, उसका मरने का हालत पैदा हो गया था फिर भी वो बच गया। बाद में मैसेज भेजे कि मैं फंस गया था उसमें लेकिन बच गया, उसी साल में हुआ था, एक ही बार गया था सिलापन गोस्वामी महाराज का जो आविर्भाव तिथि उसमें गया था एकदम हिंगलगंज, बोले एकदम सुंदरबन जैसा टाइगर, टाइगर का है ना प्रकल्प है उसका इन नदी का स्पार, और उस तरफ बांग्लादेश दिखाई पड़ता है, एक ही बार गया उससे वो मेरा साथ गया था, मेरा साथ पुरुषोत्तम भी और सब भक्त लोगों का पास गया था, और बाकी आने का बाद मेरा साथ छोड़ के फिर वो गया था किसी जगह, अब कहाँ गया पता नहीं, बाद में पता चला वो हिमालय में गया था, उसी अवस्था में फंस गया फिर बच के आया, ऐसा हालत है। हिमालय के पास जाओ तो अपना जितना बदमाशी है उदमबाजी है सब छूट गए, एक फेंक देगा हिमालय का, एक लैंडस्लाइड होगा ना ये तो खटिया खड़ा कर देगा, गाड़ी फाड़ी सब बंद, जा कहाँ जाएगा, जा क्या खाएगा, कहाँ जाएगा। भगवान जो करता है अच्छाई के लिए करता है, वो दारूबाजी शुरू हो गया था उधर, भगवान ने पूरा एकदम शंकर भगवान ने गुस्सा में आकर सारे एकदम मड़मिन वहाँ शुरू हो गया था पार्टीबाजी, वो रात का टाइम में पार्टी चल रहा है, दारू चल रहा है, अरे हिमालय क्या ऐसा चीज है, हैं उल्लू का पट्टा, वो एकदम ठाकुर जी लात लगा के सारे मिट जा भाग सब, अच्छा ही है जो हो रहा है, अच्छा है कोरोना है इतना टेरिफिक है वो भी ठाकुर जी का, इसी में भी अच्छा ही जरूर है, क्यों दिया भगवान ही तो किया और क्या, अपना कर्मफल को भोगो क्या किया जाए, कब किसी का जिंदगी में आखिरी वक्त आ जाए कौन जाने, ऐसा हालत पैदा हो गया, रोज लाखों आदमी मर रहा है, चार पांच छह लाख आदमी मर रहा है। तमहर्षीनाम भृगुरहम गिरास्मि मेकाक्षरम अजज्ञानम जप जोगोस्मि आस्थावरण हिरण, स्थावरों में हिमालय सबसे बड़ा, उसका उसका सामने जाओ तो अपना पोल पोटी खुल जाएगा, जिंदगी में क्या घटिया काम किया, क्या कुछ नहीं, किसको धोखाबाजी किया, क्या कुछ किया, सारे पोल पोटी खुल जाएगा। आप बोलोगे बचा दो मेरे को, अब नहीं करेंगे, फिर ऐसा बहुत बार हुआ मेरे बचा दो ठाकुर जी अब नहीं करेंगे, और जब छोड़ दिया फिर कर रहा है, मरना ही अच्छा था। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि असत्यहा सर्व भिक्षाणम देवर्षीनम नारद, वृक्षों में मैं असत्य भिक्षु हूं, पीपल भिक्षु हूं, असत्यहा सर्व भिक्षाणम देवर्षीनम नारद, देवर्षियों के अंदर में मैं नारद हूं, वृक्षों में मैं असत्य भिक्षु हूं, गंधर्वानाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ, और सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, जितना सारे सिद्ध है सारे इसमें मैं कपिल हूँ, भगवान अपना विभूति को बता दिए। और उच्चैश्रवसम अस्यानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणम नरानाम च नराधिपम, असत्यकम असत्य वृक्ष गणों में मैं असत्य हूँ, देवो गणों में मैं नारद हूँ, और गंधर्वानाम चित्ररथ मैं हूँ, चित्ररथ और सिद्धानम कपिल। उसके बाद उच्चैश्रवसम अस्यानम विद्धिमाम अमृतोद्भवम, अश्वगणों का अंदर में अमृत उत्पादन करने का पहले जो उद्भव हुआ था अमृतार्थो समुद्र मंथन काल में जो उच्चैश्रवा जो घोड़े पैदा हुआ था
घोड़ा पैदा हुआ था, ये घोड़ा मैं, मेरे को जानना, उच्च श्रवा बलि महाराज जी को दिया गया था, उच्च श्रवा एकदम दूध जैसा साफेद है। बलि महाराज के इच्छा के अनुसार देवता का सिखाया हुआ, देवता भगवान का सिखाया हुआ वाणी है, जो मांगे दे देना, ठीक है ठीक है, झगड़ा नहीं करना, अमृत तो चाहिए। तो अश्वगणों में अमृतार्थ जो समुद्र मंथन काल में जो उच्च श्रवा नामक घोड़ा घोड़े पैदा हुआ था, ये मैं हूं। उच्च श्रवसम अस्यानम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणम। उसका बाद ऐरावत हस्तिगणों का मतलब ऐरावत हस्ती है, बड़ा पावरफुल, जिसका ऊपर सवार, जिसका ऊपर सवार होके इंद्र चलते हैं युद्ध में। हस्तिगणों में ऐरावत और मनुष्यगणों में राजा, मनुष्यगणों में राजा विभूति। ऐरावतम गजेन्द्राणाम और नराणाम नराधिपम, जो नराधिप जो राजा है ये भी भगवान का विभूति है, जो भी है। और आयुधानम अहम वज्रम, आयुधानम अहम वज्रम, जितना सारा अस्त्र शस्त्र है, आयुधानम अहम वज्रम, इतना अस्त्र शस्त्र है, इसमें मैं हूं वज्र, वज्र छोड़कर कुछ नहीं है, इतना बड़ा पावरफुल। आयुधानम अहम वज्रम और धेनुनाम अस्मि कामधुक, कामधुक धेनुनाम अस्मि, मैं अस्त्र शस्त्रों का अंदर में वज्र हूं, धेनु गणों में मैं कामधेनु हूं, और मैं प्राणी गणों का उत्पत्ति हेतु कंदर्प काम हूं, प्रजनन 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 श्वास भी कंदर्प, बच्चा पैदा होता है इसमें प्रजनन श्वास भी कंदर्प, ये मैं हूं। और बेकार जो काम है ये मैं नहीं हूं, जो संसार में अपना वंश विस्तार करने के लिए और अपना पिंड दान के व्यवस्था के लिए लड़का लड़की पैदा, ये जो है प्रयोजन श्वासमिक अंदर रहा, खामाखा में काम 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 एंजॉयमेंट लग जाए, ये नहीं है। भगवान ने बोला प्रयोजन प्रयोजन श्वासमिक अंदर रहा, पैदा करने वाला भाई लड़का लड़की ये मैं हूं, ये कंदर्व मैं हूं, प्रजन प्रजोजन श्वासमी कंदर्प और सर्पानम अस्मी वासुकी, साप गणों में मैं वासुकी साप हूं, वासुकी नाग इतना पावरफुल है, ये वासुकी नाग कोई, ये वासुकी नाग कोई रस्सी बना के सागर मंथन का काम हुआ था, ये वासुकी नाग इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, ये वासुकी नाग कोई रस्सी लेकर, रस्सी बनाकर सागर मंथन का काम किया गया था। अब सोचो कितना बड़ा होगा, समुन्द्र पूरा मंथन हुआ, खीर सागर और देवता असुरों के बीच में चल रहा है, अरे बाप रे। सो सर्पानम अस्मि वासुकी हो गया। इसका अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अनंत श्वास्मि नागानाम, वरुणो जातुसाम अहम, कैसा बताया भगवान, नाग गणों का अंदर में मैं अनंत नाग हूं, जलोचरों का अंदर में मैं जल देवता वरुण हूं, और पितृणाम अर्जमा चास्मी यमहा संयमताम अहम। क्या बता रहे, नाग गणों में मैं अनंत नाग हूं, जलोचर गणों में मैं जल देवता वरुण हूं, पितृगणों का अंदर में मैं अर्जुमा हूं, और धर्मा धर्मो फलदान फलदान का नियंत्री गणों में मैं जम हूं, बद्ध जीवों का कर्म फल का अनुसार जो चलाता है वो जमराज है, शास्ति देता है। सो अनंत शास्मि नागानाम वरुणो जादुसाम अहम पितृणाम
अर्जमा चास्मी यमहा संयमतामहम, किसको साइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, शास्ति देने के लिए, संयमतामहम नियंत्री गणों में मैं शास्ति दाता जमराज हूं मैं। और प्रहलाद चास्मी दैत्यानाम, जितना सारे दैत्य है दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, और कालह कलयतामहम, सारे काल का कराल ग्रास में जाने वाला है सब चीज, ये महाकाल जो मैं हूं। प्रहलाद चास्मी दैत्यानाम कालह कलयतामहम, और मृगाणंचो मेगंद्रो अहम बैनो तेयश्चो पक्षीनाम। क्या करें, प्रहलाद शास्मी दैत्यानाम, दैत्य गणों में मैं प्रहलाद हूं, कालों में महा कालह कलयतामहम कलयतामहम, काल मतलब प्रसीट। आइंस्टाइन को प्रश्न किया गया था, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ काल, काल और टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट। आइंस्टाइन ने दिखा दिया टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर रिलेटेड, यह भी है। कलयताम माने आगे बहते रहना, कलयताम अस्मि हम। प्रहलाद चास्मि दैत्यानाम कालह कलयताम अहम, और मृगानांचो मृगंदोहम, और वैनेतश्च पक्षीनाम। क्या बताया, अहम दैत्यगाना से पशु दिगो, पशु गणों के अंदर में मैं सिंह हूं, पशु गणों के अंदर में मैं सिंह हूं, और पक्षी पक्षी नांश बैनतियो गरुर बिनतानंदन, मेरे को ही बिनतानंदन गरुर बोल के जानना, मेरे को ही बिनतानंदन गरुर बोल के जानना, मैं हूं पक्षी नाम, और पशुओं में मैं सिंह हूं। आर पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रो भितामहम्। समझा, जैसे द्वैत गणों में मैं प्रहलाद हूं, ग्रासकारी गणों में मैं काल हूं, पशु गणों में मैं सिंह हूं, पक्षु और पक्षी गणों में मैं गरुर वाहन हूं, तो वेगवान निम्न गानम जथा गंगा, जैसे बताया गया इधर बताया, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभितामहम् झसानम मकरोश्यास्मि श्रोतोश्यामस्मि जाह्नवी। वेगवान नदियों का अंदर वेगवान वेगवान गतिशील, वेगवान गतिशील व्यक्तियों में गतिशील वस्तुओं में मैं वायु हूँ, शस्त्रभिताम शस्त्रधारी के अंदर में मैं दशरथी राम हूँ, और झसानम मकरोश्यास्मि मत्स्यगणेर मध्य मैं मगरमाछ हूँ। मगर भगवान ने आविर्भाव हुआ था ना मगरमाछ का रूप में प्रलय काल का समुन्द्र में, मत्स्यगण में मैं मगर हूँ, मकर हूँ मत्स्यगण में मैं मकर हूँ, और नदी निम्न गानम नदियों में मैं जाह्नवी हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रोभितामहम् झसानम मकरोश्चास्मि श्रोतोस्वामस्मि जाह्नवी। आर सर्गानम आदिरंतश्च मध्यंचैवाहम् अर्जुन आध्यात्म विद्वा विद्वानम बादः प्रबदतामहम्। आई बात समय में, ए अर्जुन ये सृष्ट वस्तु में
अर्जुन सृष्ट पदार्थों मात्रे आदि अंतो मध्वा है, मैं अविनाश करता रहेगा जरूर। सर्गानम आदि अंतश्च मध्यंचैव अर्जुन, कोई भी सृष्ट वस्तु है उतरे आदि अंतो मध्व रहेगा, उत्पत्ति स्थिति लोय। ये जो तीनों किस्म का विभाग है मैं हूं, और विद्या समूह में मैं आध्यात्म आत्मविद्वा, ये मेरा गोपनीय विद्वा, बड़ा सीक्रेट विद्वा। जैसे बच्चा जो जानने के लिए जमराज के पास गया था, वो बोले आप बताओ हमको ये गुप्त विद्या जो है आत्मविद्या। बच्चा गया था, बहुत बार चर्चा हुआ था इस विषय में, विद्या समूह में विद्या का अंदर में मैं आत्मविद्या ब्रह्म विद्या मैं हूं, अतार्किक गदों में मैं बाद विवाद संवाद भुवो भवंती, बोलता ना तार्किक जो तर्क करने रहते हैं, वाद विवाद के अंदर में मैं बाद हूं, जल्पो वितंडा, बाद जल्पो वितंडा, तर्क समूह में मध्य बाद हूं। ये जो सर्गानम, सर्ग माने सृष्टि वस्तुओं में, सर्गानम सर्गानम आदि रंतश्च मध्यं चैवा अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या नचिकेता, याद है ना नचिकेता गया था जमराज जी के पास, जमराज जी कुछ कुछ बर मांग लो, बोले मैंने आपको अग्नि विद्या होता, अरे महाराज ये छोड़ के दूसरा चीज ले लो, आत्म विद्या बताओ, आत्मा कहाँ जाता है, हैं बोले ये सब क्या दरकार है, कुछ मांग लो ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, आत्म विद्या चाहिए। सो सर्गानाम सर्गानाम आदिरंतश्च मध्यंचैव अर्जुन आध्यात्म विद्वा विद्वानाम बाधः प्रबदतामहम्। इसका बाद 33 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अक्षराणाम मकारोऽस्मि दंदः समासिकस्य च, व्याकरण का बात आता है इधर, ये अ आ क ख ये सब नारायणोद्भिद वर्ण क्रम हरिनामी तो व्याकरण में शुरुआत में आता है नारायणोद्भिद वर्ण क्रम, ये वर्ण क्रम जो है नारायण से आया है, लेकिन ए बी सी डी ये नारायण से नहीं आया है ये इनडायरेक्टली आया है भगवान से ही सब, लेकिन विशेष करके संस्कृत विकरण में है अक्षराणाम मकारोऽस्मि द्वंद्व समासिकस्य च, अक्षरों में मैं औकार औकार, अक्षराणाम मकारोऽस्मि और द्वंद्व समासिक, जो समास समास का विवाह करने जाओ उसमें मैं द्वंद्व समाज हूँ, बहुब्री द्वंद्व समाज हैं ये सब समाज में आता है ना, इस समास में मैं द्वंद्व समाज हूं। और अहमेवाक्षयोः कालो धाता धाताहम विश्वतो मुखः, क्या बताए अक्षर समूह में मैं अकार अक्षर हूं, इसीलिए हमारा हमारा वैदिक शास्त्रों में विचार है, कोई बच्चा अगर पहला लिखा पढ़ा सीखे, कोई पंडित अगर साधु जाके उसको अ आ क ख लिखा देते हैं, इसको पहला पहला हस्ताक्षर अक्षर समूह में मैं अकार हूँ, समास समूह में द्वंद्व समाज हूँ, मैं ही हूँ अक्षय काल स्वरूप, काल का कोई विराम नहीं है, अक्षय काल नॉन स्टॉप अनादिकाल, काल का प्रभाव अनादि है, कर्म का प्रभाव अनादि है, जीव भी अनादि है, सारे जीव तत्व का विषय में चर्चा किया था पहले,
मैं हूं अक्षय काल स्वरूप, मैं हूं समुदाय कर्म फल का विधान करता, किसको क्या देना है नहीं करने, इसलिए भगवान ने बता दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, फल का दाता भगवान है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके भगवान युक्ति दे रहे हैं, विचार करके तमाम अपना जो रहस्य है, भगवान धीरे धीरे अपना महिमा अपना रहस्य सब कुछ अपना वैभव सारे बता रहे हैं, ताकि आदमियों का विश्वास पक्का हो जाए। अर्जुन को सामने रखकर सिखा रहा है, जैसे अंधेरा नहीं रहने से रोशनी का महिमा पता नहीं चलेगी, रश्मि है रश्मि का महिमा तब पता चलेगी जब अंधेरा है, अंधेरा नहीं तो रश्मि को उजाला का महिमा जो है ऐसे ही है। भगवान सारे बताया, धीरे धीरे बताते चले, और करते करते अगले दिन ये दसम अध्याय को समाप्त करके ग्यारह अध्याय में प्रविष्ट हो जाएंगे, वहाँ और भी बहुत सारे चीज है बताएंगे। तो आज ये तक विश्राम दे कथा का, कर कर्मण्य आरभ मानानम दुख चौहत्तई सुखाय च पश्यत पाको विपर्यसम मिथुनिचारिणम निणाम। क्या बताया, कर्मण्य आरभ मानानम दुख चौहत्तई सुखाय च पश्यत पाको विपर्यसम मिथुनिचारिणम निणाम। वांछा कल्पतरुवश्य के पासिंद पतितानं पावन पवैष्णवभ्यो नमः।